योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम उस पैसे कमाए हुए पैसे को सेव करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शंस देखकर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स और एजेंट्स, किसकी बात पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पर आपका साथ देने आते हैं हम योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल, देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एफ फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद्य। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। चिराग गुंडालिया हमारे साथ हैं। चिराग, या मैम, चिराग पूछिए अपना सवाल। या कविता, आई एम हैविंग अ टू क्वेश्चन। जी। या, और एक तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में। अच्छा। जैसे फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड दी है, पीएनबी टैक्स सेवर है और एसबीआई का मैग्नम गोल्ड है। तो मैम मैं अभी 2 साल और वेट कर सकता हूँ, तो मुझे भी ये मैच्योर हो रहा है, क्या इसको विड्रॉ करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? जी मिस्टर वैद्य, क्या सजेस्ट करेंगे आप? चिराग साहब, कितना टाइम हो गया आपको इन ईएलएसएस स्कीम में पैसा डाले हुए? यस, तो मेरा करीबन 3 साल हो गए हैं। ओके। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया था मैंने, तो एनएलयू में देख रहा हूँ तो 13-15% मिल रहा है। हाँ जी। और ये तीनों स्कीमों में 3 साल हो चुके हैं या किसी में अभी 3 साल होने रह गए हैं आपके? नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 80% फंड मैच्योर हो गया है। ओके। 20% करीबन बाकी है। ओके। नेक्स्ट 6-8 महीने में कम्प्लीट हो रहा है। हमारा सजेशन आपको ये रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, आपने निवेश किया है इन ईएलएसएस स्कीमों में, तो आप तकरीबन 1 साल के लिए और वेट कीजिए इसमें। जो ये 15% का रिटर्न आप पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, मेरा ये अंदाजन है कि पूरे आप 3 साल का रिटर्न बोल रहे हैं सीएजीआर। ये 15% किस तरह से आपने अराइव किया ये रिटर्न? मैंने, हाँ जी, एन्युअली देखा। हाँ, तो ये अपने आप में काफी अच्छा रिटर्न है। तो हमारा एडवाइस आपको रहेगा, 1 साल मिनिमम इसके लिए और रखिए अपने आप को, और उसके बाद इन फंड्स को धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरफ लेके जाइए। डाइवर्सिफाइड फंड्स जो कि लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर डाइवर्सिफाई होते हैं, उसके अंदर आप ले सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 200 एक ऐसा फंड है, ब्लैक रॉक 100 ऐसा एक फंड है डीएसपी का, तो ऐसे फंड को मगर 1 साल बाद लीजिए। अभी इसको पूरा इन्हीं ईएलएसएस स्कीम में थोड़े दिन और चलने दीजिए। जी, इन्होंने कहा है कि 5 साल तक इन्हें 8,000 रुपए एसआईपी में भी डालने हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो ईएलएसएस का इनका क्वेश्चन था उससे अलग क्वेश्चन हो गया। तो ईएलएसएस के अंदर कंटिन्यू कीजिए 1 साल और उसके बाद डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ जाइए। और एसआईपी जो ये बोल रहे हैं कि उनको 8,000 रुपए डालने हैं, उसके अंदर हमारा सजेशन ये रहेगा, इन्होंने 4 फंड्स के नाम लिखे हैं पूछते वक्त प्रश्न, आईसीआईसी अप्रूव ब्लू चिप ग्रोथ, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप, एचडीएफसी इक्विटी फंड डाइवर्सिफाई एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। हमारा सजेशन रहेगा कि 4 की जगह 3 फंड लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी अपने आप में अच्छा नहीं रहता एक निवेशक के लिए, बिकॉज वो इंडेक्स का रिटर्न जाता है, आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। 3 फंड काफी ठीक रहेंगे और इसके अंदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप ग्रोथ जो कि अपने आप में एक फोकस फंड है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आप को, एचडीएफसी इक्विटी फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। भरतपुर से रविशंकर सिंह हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, हाय मैम। हाय, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मिस्टर वैद्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं एचडीएफसी में काम करता हूँ यहाँ भरतपुर में, भरतपुर लोकेशन एचडीएफसी बैंक। ओके। एंड देन मैंने कुछ 6 एसआईपीज लिए हैं थ्रू एचडीएफसी ओनली। अच्छा सर। मेरा है पहला टॉप 200। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज एचडीएफसी इक्विटी। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रिलायंस इक्विटी एंड रिलायंस रेगुलर सेविंग प्लान। हाँ जी। लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज रिलायंस विजन फंड एंड लास्ट वन इज आईएससी स्मॉल एंड मिड कैप। मेरा सर विजन है कि मैं 25 ईयर्स तक मतलब इस फंड को मैं लेकर चलूँ सारे फंड्स को। ओके। और 50 ईयर्स पे रिटायरमेंट प्लान के लिए मैं कुछ सोच कर रखा है मैंने, मतलब 3-4 करोड़ के करीब में जो फंड वैल्यू बने, इसके बारे में पूछना था सर, सारे जो मैंने फंड्स लिए हैं वो सारे सही हैं या नहीं है?
रवि जी, मेरे पास एक पेंशन प्लान है एचडीएफसी स्टैंड लाइफ का, 16,000 रुपए का, ओके, एनुअल मोड है वो, 25 इयर्स की मैंने लिया, ओके राइट, यस। रवि जी, पहली बात तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपने एक मेथोडिकल ढंग से बड़ा सोचा है, और जो आपकी सोच में सबसे अच्छी बात हमें लगी, जो आप 20 से 25 साल का ड्यूरेशन दे रहे हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं और खासकर इस यंग एज से बात कर रहे हैं, तो काफी अच्छा है। ये एक अच्छे पर्सनल बैंकर की निशानी है, तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन है। और आपके जो क्लाइंट हैं जो आपको आपसे एडवाइस लेते हैं और आज के टाइम पे ये शो देख रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक अच्छे पर्सनल बैंकर के साथ हैं और इनका एडवाइस मानिए, बिकॉज उन्होंने अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरह रखा है। सिर्फ दो चीजें आपको बताना चाहेंगे रवि जी आपके पोर्टफोलियो पे, एक तो ये 6 फंड बहुत ज्यादा है, इसको साथ ही 25,000 हाँ जी लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये, हाँ जी। सो पहला तो इन 6 फंड को ना आप 3 से 4 फंड के अंदर कर दीजिए। अच्छा, आपकी चॉइसेस ऑफ फंड अपने आप में बहुत अच्छी हैं, तो हम आपको ये तो बताएंगे नहीं कि आप कौन से फंड लीजिए, बिकॉज पर्सनल बैंकर है, आप खुद चूज कर सकते हैं। आप एक मिक्स कीजिए कि 75% लार्ज कैप एंड 25% मिड कैप का एक पोर्टफोलियो बनाइए अपना लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए। मिनिमम 3 से 4 फंड रखिए, ज्यादा मत रखिए इसे। उसके बाद आपने बोला कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है जिसके अंदर आपने पैसे डाले हुए हैं कुछ, बहुत अच्छी चीज है अपने आप में, मगर उसमें हम आपको सिर्फ ये बोलना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली पड़ती है। हमें यूजली इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए टर्म कवर अपने रिस्क प्लानिंग के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। सो इसलिए आगे उस तरह की इंश्योरेंस को अवॉइड कीजिए, और अगर आपके पास जो लंपसम है उसको किसी और फंड में ना डालते हुए, जो आप 4 फंड चूज करेंगे अपने लिए उसमें इक्वली डिवाइड कर दीजिए और उस तरह से अपना पोर्टफोलियो को बनाइए। मगर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन कभी मत छोड़िएगा, यह आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, और जिस तरह से आपकी गोल ओरिएंटेशन है उस पर भी कंटिन्यू रखिए। चलिए इसी के साथ अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें ईमेल करिए mf@moneycontrol.com पर, एसएमएस करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लीजिए, लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये एसएमएस हमें 5818 पर। वेलकम बैक, योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सुमित वैद्य। लेते हैं अगला सवाल, अनंत राज शर्मा हमारे साथ हैं। अनंत, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनंत, पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली मैंने 4000 रुपीज, 2000 एचडीएफसी टॉप 200 और 2000 बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जी 2008 से जी, और इसके अलावा 3000 मेरा पीएनबी में रिकरिंग डिपॉजिट में है पर मंथ। अच्छा, इसके अलावा मेरे को अगेन 4000 और डिपॉजिट मैं कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, और मेरे को ये भी साथ में ये भी पता करना है कि लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट कितने टाइम में होगा। ठीक है मिस्टर वैद्य, क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको? अनंत जी को सबसे पहले तो हम ये सजेस्ट करेंगे, अनंत जी आपका इन्वेस्टमेंट की हैबिट बहुत अच्छी है, इसको आप कंटिन्यू रखिए, मगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अपना फाइनेंशियल गोल निकालिए। अच्छा, किस पर्पस के लिए आप सेव कर रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना टाइम है, ताकि उस टाइम और पर्पस के हिसाब से हम रिटर्न निकाल पाए आपका लॉन्ग टर्म पे। और जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो एक एसेट क्लास में नहीं होनी चाहिए, उसको आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में डालिए। इक्विटी कैन बी 1 एसेट क्लास, दूसरी एसेट क्लास कैन बी डेट फिक्स्ड इनकम, और तीसरी एसेट क्लास कैन बी गोल्ड। आप हमेशा अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए, अगर गोल्ड पे अगर व्यू नहीं है आपका अभी, मिनिमम इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि ये कर रहे हैं कुछ हद तक, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक है इनके पास, इक्विटी फंड है, मगर फाइनेंशियल गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो जो 4000 इनको इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको, कहां कहां करने चाहिए? उनको हमारी सलाह रहेगी कि जिनकी 2 फंड हैं एचडीएफसी टॉप 200 और बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, ये दोनों अपने आप में काफी अच्छे फंड है, आप इनके अंदर कंटिन्यू रखिए। एक मिड कैप फंड और ले लीजिए अपने साथ, इसको आईडीएफसी प्रीमियर करके एक फंड आता है जो एक अच्छा मिड कैप है, आप उसको ले सकते हैं। रिलायंस के स्टेबल में रिलायंस विजन, रिलायंस ग्रोथ करके अच्छे फंड है मिड कैप ओरिएंटेशन, आप उनको ले सकते हैं। मिड कैप फंड के अंदर आप एक्सपोजर लीजिए, बाकी जो आपका पैसा है वो इन्हीं 2 लार्ज कैप फंड के अंदर डाइवर्सिफाई कर दीजिए। और 1 करोड़ जो उनका बहुत बड़ा मिशन है वो आपको क्या लगता है कब तक पूरा होगा और कैसे होगा? बहुत अच्छा मिशन है, अपने आप में एक अच्छा गोल है जो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए उस फिगर में। उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंक्लूडिंग की जो नया सोच रहे हैं निवेश करने के लिए। अगर 10,000 रुपया 12.6% रिटर्न पे हम अज्यूम करें, जो कि एक इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन निकलता है, 80 अगर इक्विटी में डालें और 20 डेट में डालें, तो तकरीबन उनको 20 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपया
यू नो अचीव करने में, हमेशा रिटर्न एक्सपेक्टेशन एसेट एलोकेशन में रियलिस्टिक रखिए. अगर उससे ज्यादा रिटर्न आए तो अच्छा है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न इक्विटी में 15% अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है, और फिक्स इनकम में 7% का लॉन्ग टर्म रिटर्न बड़ा अच्छा है. उस बेसिस पे 12.6% 20 ईयर्स आपका ये गोल. चलिए लेते हैं अगला सवाल. चेन्नई से सुब्रत ने हमें ईमेल किया है. सुब्रत ने एक महीने पहले आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 11.61 रुपए के एनएवी पर 30,000 रुपए निवेश किए. वो जानना चाहते हैं कि 5 या 10 साल बाद अगर एनएवी 40 या 50 रुपए होता है तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे. और सुब्रत ये भी जानना चाहते हैं कि किस फंड के इश्यू होने के समय यानी एनएफओ में पैसे लगाने के क्या फायदे या क्या नुकसान होते हैं. सबसे पहले तो सुब्रत जी, आपने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है. इंडेक्स फंड का मतलब हम अपने निवेशकों को समझाना चाहेंगे. इसके अंदर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है. आप एक पैसिव तरह से एक इंडेक्स में पैसा डालते हैं. जैसे जैसे इंडेक्स की मूवमेंट होती है उसी तरह से आपकी एनएवी आगे बढ़ती है. सो अपने आप में एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है. बाहर के देशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, इसका एक काफी अच्छा रिटर्न रहता है और काफी पॉपुलर फंड है. सो ये हमारे निवेशकों के लिए, इंडेक्स फंड के लिए है. सुब्रत जी का दूसरा क्वेश्चन है कि उनका पैसा कितना हो जाएगा एंड में. इसकी कैलकुलेशन करके हम आपको जानबूझ के नहीं बताना चाहेंगे, बिकॉज एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन आजकल की मार्केट में बनाना बहुत गलत चीज है. बिकॉज उससे क्या होता है कि आप इस तरह से एक एक्सपेक्टेशन में फंस जाते हैं कि जैसे कि ये गारंटीड रिटर्न हो. इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न्स के अंदर एक्सपेक्टेशन रखिए कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे को 15% रिटर्न मिले, इरिस्पेक्टिव वेयर मार्केट्स को. यूजली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा के समय में इतना रिटर्न आपको निकल के आता है. तो आप उस तरह से अपने निवेश को लेके चलिए. हालांकि ये मत सोचिए कि इतना पैसा अभी डाला कितना हो जाएगा, बहुत मुश्किल है बताना, किसी के लिए भी आसान नहीं है. इसलिए हम भी आपको ये बोलेंगे कि 15% का रिटर्न इक्विटी में काफी अच्छा है, स्पेशली इंडेक्स फंड के हिसाब से. और इसी तरह से अपना निवेश बनाइए. सिर्फ एक आखिरी में बात जरूर बोलना चाहेंगे, फाइनेंशियल गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद कुछ और सवाल का हम देंगे जवाब. आप देखते रहिए CNBC आवाज.